और रिया के मैसेज के अकॉर्डिंग सभी लोग पार्क में इकट्ठे हो जाते हैं डिस्कशन के लिए। पर डिस्कस करते समय टोशियुकी और शिया के बीच में झगड़ा हो जाता है और शिया अचानक से बोलती है कि हम सभी को पता है तू एक केवल खुदगर्ज गुंडा है जो केवल अपने बारे में ही सोचता है, तो चाहे डाइस कोई भी घुमाए सबसे पहले तो तू ही मरने वाला है। जो सुनकर टोशियुकी डर जाता है और डर के मारे चीमी के पैर पर एक चाकू से हमला कर देता है और फिर वही चाकू वो चीमी की गर्दन पर रखे उसे चांद से मारने की धमकी देते हुए नोबुइकी और हाशिमोटो को बोलता है तुम दोनों में से एक बंदा ही इस डाइस को रोल करेगा, जिस पर नोबुइकी तुरंत अग्री हो जाता है।